आज हम बनाएंगे आलू पिज्जा। एक ऐसा पिज्जा जिसमें ना तो आटा ज्यादा गूंदने की जरूरत है, ना ही किसी यीस्ट की जरूरत है और ना ही इसके डो को रेस्ट देने की जरूरत है। तो चलिए आज बनाते हैं इजी पीजी आलू पिज्जा। पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले बनाएंगे पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस के लिए एक प्याज, कुछ लहसुन की कलियां और 4 टमाटर। पहले टमाटर के ऊपर आप एक क्रॉस का निशान बना लीजिए चाकू से। सभी टमाटर पे बनाना है क्रॉस का निशान और ये निशान बनाने के बाद अब हमें इन्हें पानी में उबालना है। पहले टमाटर डाले, फिर प्याज को मोटा मोटा काट कर डाला, और फिर लहसुन। तो चलिए अब इसको उबालते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको उबालना है। उबालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तब हमें टमाटर के छिलके उतारने हैं। और टमाटर के छिलके उतारने के बाद अब हम इसको मिक्सर जार में ब्लेंड कर लेंगे। थोड़े से पानी के साथ। तो चलिए ब्लेंड करते हैं। अब हमने इसे पीस लिया है। अब एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल डाला और उसमें ये टमाटो प्यूरी डाल दी जो हमने अभी अभी पीसी थी। इसको थोड़ी देर मीडियम आंच पर पकने देते हैं और थोड़ी देर पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर और 1/4 कप टमाटो सॉस और साथ में 2 बड़े चम्मच विनेगर, 1/2 चम्मच ओरिगैनो और इसको पका लीजिए और ये पिज्जा सॉस रेडी है। अब बनाते हैं पिज्जा क्रस्ट के लिए डो। मैंने यहाँ पर 9 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैश कर लेते हैं। अच्छे से मैश करना है। और पूरा मैश हो जाने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप मैदा डालेंगे। और इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। जब ये दोनों मिक्स हो जाएं तो इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगैनो और अब हमारा पिज्जा डो रेडी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं पिज्जा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बेकिंग तवा लिया है। आप चाहें तो बेकिंग टिन भी ले सकते हैं। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करना है साइड्स में से भी ताकि हमारा पिज्जा आसानी से उतर आए। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा फैला लेंगे। और तवे को थोड़ा थोड़ा टैप करके मैदा पूरे में फैला लेंगे और अच्छे से पूरा फैलाने के बाद अब हम इसमें आलू डालेंगे जो मैश्ड पोटैटोस थे हमारे पास और इसको अब फैला लेंगे। स्पून की मदद से मैं पूरे ट्रे में इसको फैला लूंगी। ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा क्रस्ट। इवनली फैलाना है। आप चाहें तो बीच में से थोड़ा पतला और साइड्स में से थोड़ा मोटा कर सकते हैं। आपका आलू पतला हो तो आप चाहें तो उसमें मैदा थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। साइड्स में से थोड़ा ठीक कर लीजिए।
और अच्छे से इवनली स्प्रेड करने के बाद साइड में हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि आलू अच्छे से पक सके साइड में से और एक क्रंची फ्लेवर आए। साइड्स में ऑयल लगाने के बाद हमारा पिज्जा बेस रेडी है। तो चलिए अब इस पे टॉपिंग डालते हैं। जो हमने पिज्जा सॉस बनाया था पहले, वो पूरा हम इस पे लगा देंगे। अब उसको इवनली अच्छे से फैला लेंगे। और पूरा पिज्जा सॉस फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर आधा कटा हुआ अनियन लिया है, वो मैं पूरे पे फैला लूंगी। अनियन मैंने लंबे टुकड़ों में काटा है। आप चाहें तो कोई भी टॉपिंग यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी शिमला मिर्च ली है, जिसे मोटा मोटा काटा है। अब इसे भी मैं पूरे पिज्जा पे फैला दूंगी। आधा कटा हुआ टमाटर, टमाटर और शिमला मिर्च लगभग एक ही साइज में काटे हैं। और आधा कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स को मैंने बॉईल किया और उसके बाद यहाँ पर डाल रही हूँ टॉपिंग में। थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगैनो। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज। मैंने यहाँ पर आधा कप मोज़रेला चीज ली है। उसको पूरे पिज्जा पर बहुत अच्छे से फैला लेना है और साइड्स में से थोड़ा छोड़ देना है। अब इसके ऊपर हम ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो चलिए अब बेकिंग शुरू करते हैं। पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे, गैस ऑन की, और कढ़ाई को लिड से ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमने लिड को हटाया और अपने तैयार पिज्जा को इसके अंदर रख दिया। लिड बंद कर दीजिए और मीडियम आंच पर इसे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए पकने दीजिए। और 25 से 30 मिनट के बाद लिड को हटा लीजिए और पिज्जा बन चुका है। चीज पूरी मेल्ट हो चुकी है और साइड में जो आलू का क्रस्ट था वो हल्का हल्का ब्राउन कलर का दिखने लगा है। इसका मतलब हमारा पिज्जा पक चुका है। गैस को बंद कर दीजिए और पिज्जा ट्रे को बाहर निकाल लीजिए और हमारा पिज्जा तैयार है। तो चलिए इसकी एक स्लाइस काट कर देख लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।